अवतल दर्पण से प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करना, ये आपका आज पहला प्रैक्टिकल है। इसमें आप देखेंगे किस प्रकार से हम एक जलती हुई मोमबत्ती को हम पर्दे पर उल्टे हुए जलते हुए देख सकते हैं, और जो प्रतिबिंब हम पर्दे पर प्राप्त करते हैं उन्हें हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो पहला आपका ही प्रयोग है, जो इमेज है उसे हम किस प्रकार से पर्दे पर लेते हैं। एक मोमबत्ती जलाई और इसे स्टैंड पर रखा अवतल दर्पण को, और इसके बाद हम इसे एक पर्दे को इसके नजदीक ले जाएंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस दृश्य में आपका मोमबत्ती जली है। तो देखते हैं पर्दे पर ये मोमबत्ती बन रही है, ये ना जली हुई मोमबत्ती की लौ जो है आपको दिखाई दे रही है। तो प्रतिबिंब उल्टा बनना है और बड़ा बनना है। जिन्हें नजदीक लाते जाएंगे ये छोटा होते जाएगा, और जिन्हें दूर जाते जाएंगे ये प्रतिबिंब बड़ा होते जाएगा। आप जाइए दूर जाइए, देखिए प्रतिबिंब बड़ा होते जाएगा। उत्तल लेंस से पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना, ये दूसरा प्रैक्टिकल है। आप देखेंगे इसमें किस प्रकार से उत्तल लेंस से हम वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। और देखो सीधा प्रतिबिंब बनना है, पहले एक जगह पे इधर को आओ, इधर को आते जाओ, प्रतिबिंब बड़ा होते जाएगा गोल। और जितने दूर को जाओगे और दूर जाओ, प्रतिबिंब बिल्कुल यहाँ पर आपको अब उल्टा और बड़ा बनना है। नजदीक में आएंगे तो उल्टा और छोटा, जो देखिए ये प्रतिबिंब है मोमबत्ती का और छोटा प्रतिबिंब होते जा रहा है। मोमबत्ती है आप देख रहे हैं, जेनन मोमबत्ती है, और हम इस लेंस से देखते हैं तो आप देखेंगे कितना बड़ी मोमबत्ती बननी है, बड़ी दिखाई देगी मोमबत्ती का जो प्रतिबिंब है बड़ा दिखाई देता है। इसे आभासी इमेज कहेंगे, क्योंकि इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। जो आभासी प्रतिबिंब है उसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है।